आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही सभी प्रत्याशी भी अपने मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी अमराव सिंह गुर्जर की नीमच से विधानसभा से प्रत्याशी है और इनका तूफानी जनसंपर्क जारी है। गांव गांव में ये जनसंपर्क कर रहे हैं, जाकर मुद्दों को जान रहे हैं। वहीं इस वक्त फिलहाल जो है महा कवरेज वॉइस ऑफ एमपी आपको दिखा रहा है और इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी अमराव सिंह गुर्जर गांव चंपी में है, तो वहां पर इस वक्त क्या माहौल है और किस तरह के मुद्दे वहां पर है, क्या क्या अपडेट इसमें है, इसे लेकर हम जानेंगे हमारे एडिटर नवीन जी पाटीदार से। जी नवीन जी बताएं तो क्या माहौल है और क्या अपडेट है चंपी से। मैं अगर बात की जाए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे गाड़ी ये जाती हुई दिख रही है, जिसमें अमराव सिंह गुर्जर खुद इसमें मौजूद है। जिस तरीके से वे चंपी में जिस तरह के दौरा कर रहे हैं, लगातार ग्रामीणों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक माहौल जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बना हुआ है, कांग्रेस प्रत्याशी का बना हुआ है, जिसे लेकर उत्साह यहाँ दिखता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस वक्त चंपी में मौजूद है, चंपी में जनसंपर्क कर रहे हैं और अपार जनसंपर्क में जिस तरह उनको समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। और खासकर अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे जो गाँव के छोटे छोटे नाली सड़क पानी और जो किसानों को जिस तरीके से लाइटें नहीं मिल रही, समय पर लाइट नहीं मिलती, रात को लाइट मिलती है, उससे लेकर नाराजगी किसानों में जो है सरकार को लेकर है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, जिस तरह की परेशानी किसानों को आ रही है। साथ अगर बात करें तो जो समर्थन मूल्य की बात करें तो तमाम जो किसानों के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी अमराव सिंह गुर्जर उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं और लगातार जिस तरीके से वे जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जमीनी मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाई, उन मुद्दों को जो है कांग्रेस प्रत्याशी को बताते हुए जो ग्रामीण दिख रहे हैं। जी नवीन जी, और कैसा स्वागत उनका वहाँ हुआ चंपी में? तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस तरीके से अमराव सिंह गुर्जर जब चंपी पहुंचे तो चंपी में जैसे तस्वीरें देख पा रहा हूँ, किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया, घर घर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और अपना आशीर्वाद लेकर उन्होंने कहा कि भारी मतों जिताएं ताकि जो वोट है उनको वोट मिलते हैं, तो वे जिस तरीके से स्थानीय जो समस्या उनको बताई गई वो समस्याओं को हल करने का उन्होंने आश्वासन जो है ग्रामीणों को दिया और घर घर जा रहे हैं और घर घर जाकर जो है वोटर से आशीर्वाद ले रहे हैं। जिस तरीके से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस वक्त हम खुद चंपी में मौजूद हैं, उनके तूफानी जनसंपर्क को कर रहे हैं और लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी, तो जिस तरह से आपने जाना कि अमराव सिंह गुर्जर का जनसंपर्क लगातार जारी है और इस वक्त वे चंपी में थे और वहां पर किस तरह से उनका स्वागत हुआ, क्या क्या मुद्दे निकलकर सामने आए, इस लेकर पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आगे भी उनका जनसंपर्क कहां कहां होने वाला है, इस लेकर भी हमको बताएंगे। लगातार हमारी टीमें जो है कवरेज पर है, ग्राउंड जीरो पर है। आगे की जानकारियों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।